मिलता है जिसको अनुदान कहते हैं, तो वह अनुदान सही जगह पर जाए, खेती सही ढंग से हो, यह करना चाहिए। आप अच्छे पदाधिकारी हैं, आपके बारे में बहुत यह नहीं शिकायत नहीं मिलती है, क्योंकि मैं गांव गांव घूमता हूं। मैं ऐसा विधायक हूं कि जब से विधायक बना हूं मैं तो यह समझता हूं कि मैं एक पंचायत का मुखिया नहीं, मैं 39 पंचायत का मुखिया हूं, और उस तरह से मैं काम 3900 पंचायत का करता रहता हूं। इसलिए किसान से लेकर मजदूर से लेकर सबसे मैं रूबरू होता रहता हूं, इसलिए मुझे सारी जानकारी रहती है कहां कौन सा काम हो रहा है और कहां कौन सा काम नहीं हो रहा है। आपके कृषि सलाहकार भी है, वो उनको भी जो कृषि को सही मायने में जो जानकारी देना चाहिए कृषक को, वो कृषक को जानकारी नहीं मिल पाती। बहुत जगह ऐसे है जो उनके सहित है उनका नाम सब्सिडी में दे दिया जाता है या डीजल अनुदान में दे दिया जाता है, और जो सही मायने में उसके अनुसार है उन तक नहीं पहुंच पाता, उस किसान को नहीं मिल पाता है, तो उनका भी ध्यान आपको देना चाहिए। और समय समय पर आपको भी दौरा करके कि कहां हमारे कृषि सलाहकार काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसको देखना चाहिए। अभी स्वास्थ्य कार्ड के बारे में अभी सरकार का बहुत अच्छा ही है, मतलब अभी तो स्थिति है कि बिहार सरकार और भारत सरकार दोनों काम में लगा हुआ, आप काम का लाभ कितना दिला सकते हैं वो आप पर निर्भर करता है, क्योंकि दोनों काम करने के लिए आगे आया है। मैं पहले भी कहा हूं कि इसका लाभ चूंकि मुजफ्फरपुर जिला से दोनों मंत्री भी बिलोंग करते हैं, आप हम लोग का भी सहयोग लीजिए। और जैसे सॉइल कार्ड है, मिट्टी का नमूना वगैरह जांच करा करके सॉइल कार्ड मिलता है, उनको कार्ड दिलवाइए। बहुत ऐसी भारत सरकार